मोहे दीन कृपा निध ठाकर नावृद नाम समाए। अनक प्रकार भोजन बौ किए बौ बिंजन मिष्टाए, करी पाक साल सोच पवित्रा जी हुण लाभ भोग हर राए। लाभ भोग हर राए हुण लाभ भोग हर राए, लाभ भोग हर राए लाभ भोग हर राए। लाभ भोग हर राए लाभ भोग हर राए, लाभ भोग हर राए लाभ भोग हर राए, लाभ भोग हर राए लाभ भोग हर राए। हरि राय सारी संगत भोग हर राय, लाभ भोग हरि राय उड़े लाभ भोग हरि राय। अनक प्रकार भोजन भोगिए अनक प्रकार भोजन भोगिए, प्रकार भोजन भोगिए अनक प्रकार भोजन भोगिए, व्यंजन मिष्टाए लाभ भोग हर राए, लाभ भोग हर राए लाभ भोग हर राए। नवा साल चेतर दे महीने दी शुरुआत बाबा खेम सिंह जी महापुरुषां दा जन्म दिहाड़ा है। नवा साल है बाबा माहर नाम सिंह जी का जन्म दिहाड़ा है। चेतर जी धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी महापुरखां का जन्म दिहाड़ा है। विचार शुरू होइए हुण लावो भोग हर राए। गुरु साहब किवें भोग लाउंदे आ, किवें प्रसाद छकदे आ, किन्ना दा छकदे आ। राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखो ओ गरीब मोए पावे। ए पदार्थ दी गल ए किते ना किया जे भोग लाउणा ए अंतर आत्मा की गल की, केंद्र दूजा नहीं किया गुरु साहब ने भोग लाउणा। ये पखंड है ब्राह्मणवाद है, ये दुनियावी पदार्थ की गल है। तुमरो दूध बिदर को पानी अमृत कर मैं मान, खीर समान साग में पाया। ये पदार्थ गुरबाणी च लिखे गए। भगवान भोग ला रहे ने, प्यार दे पकवान छक रहे ने, गोविंद पाओ भगत दा भुखा। पाओ जवेहा बिदर दे होरी दे चित चाओ ना चुखा, गोविंद पाओ भगत दा भुखा। गुरु साहब नू भोग लुआना है,
हर थां ते भोग लगता है, हरिमंदर साहब लगता है, हजूर साहब लगता है, पटना साहब लगता है, सारे गुरुद्वारों च लगता है। कई गुरमुखों की बिरती है कि जो कृपाण फेरी जाती है उदो सतगुरु महाराज अपनी रसना प्रसाद ना लाते, वो इस भावना ना कृपाण फेरती। बाबा जी के घर की मर्यादा है प्रसाद तैयार करके देग, कृपाण पहलों फेरनी, ये पवित्रता वास्ते आ। गुरु साहब उच्चे पीर बने, उन्होंने परखण वास्ते मुसलमानों ने अपना पकवान भेट किया। गुरु साहब कहन लगे बिना शंके तो ले आओ करद भेट करके, जो करद भेट हो जाए उन्हें फिर सारे भरम खत्म हो जाते। करद कृपाण नूं आखिया, ये पक्ष नूं बाबा जी ने लैके जदों गुरु साहब नूं प्रशादे दा थाल देग दा लगदा है ना, पहलों कृपाण भेट की जाती, फिर कौली च पा के सतगुरां के प्रसाद रखिया जाता है, ते अरदास की जाती गरीब नवाज, हुण लावो भोग गुरु नानक जी पढ़ो, हुण लावो भोग गुरु नानक, हुण लावो भोग गुरु नानक जी, लावो भोग गुरु नानक जी, हुण लावो भोग गुरु नानक जी, हुण लावो भोग गुरु नानक जी, लावो भोग गुरु नानक जी, हुण लावो भोग गुरु नानक जी, हुण लावो भोग गुरु नानक जी, हुण लावो भोग गुरु नानक जी, भोग लगे हुए प्रसाद नूं पंज प्यारे लेंदे आ। पंजां च प्रसाद दिता जांदा है कि पंज प्यारे प्रसाद छकदे आ, भोग लाउणा ना छकदे। इह दूजियां गल्लां नहीं कीतियां कि भोग लाउणा इह गुरबाणी दे विच ये नहीं, दुनियावी गल्लां नहीं भोग लाउंदियां कहिंदे। चार साहिबजादे प्रसाद लैंदे आ, आखो श्री वाह, सतगुरु भोग लाउंदे आ, कृपाण भेट करके कौली च पा के प्रसाद सतगुरां अगे रखिया जांदा है, ते बेनती कीती जांदी जी आप जी नूं भोग लगे, आप जी का शहीद प्रसाद साध संगत को मिले। हजूर साहब जाओ, 11 बजे के करीब बहुत लंबिया लाइना लगी होगी, सब दे हाथ च बाटियां होंदियां, उन्हां नूं पुछो जी तुसी कादे वास्ते बैठे हो, इन्नियां लंबियां लाइना ला के की प्रसाद मिलना है। कहिंदे जिहड़ी भोग लगदा है जिहड़ी दाल नूं जिहड़ा भी वह छक लवे उहदे रोह कट्टे जांदे, वह फिर दाल इन्नी तां हुंदी नहीं जिन्नी दाल उहने तो दूणा पानी पा के संगतां विच वरताउंदे आ, जिहड़ा छकदा है वह आनंद लैंदा है। क्यों? कि दाल नूं गुरु साहब ने भोग लाया है, दसवें पातशाह भोग लगे वाली दाल दुखा रोगां की निवृत्ति करती। ये उन्होंने मैसेज है जेड़े आ बाहरलिया गल्ला गाँवे आ मनमुख मनमुखा वाली, कि भोग लगना मनमाते भोग लवाउंदे। बाबा नंद सिंह जी महाराज गुरबाणी द्वारा भोग लाते, गुरबाणी की टेक रख के अंदर पर्दा करता, बाबा नंद सिंह जी बह गए,
भाग राखियां ने शब्द पढ़िया हुण लावो भोग हर राय। बाबा जी ने गुरु नानक साहब अगे थाल रखी, फिर रागियां ने शब्द पढ़िया कटोरे विच दुध पालिया विच गड़बे दे पानी, ते बाबा जी ने दुध वाला थाल गुरु साहब अगे कीता है, गुरु साहब ने दुध छकिया। हाथ सुचे कराए, पर्दा चकता, एक हंकारी चूड़िया का चौधरी कहिंदा मैं देखदा बाबा आनंद सिंह पखंड करदे आ भोग नहीं लाउंदे। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਕਨਾਤ ਕਨਾਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਨਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵੀ ਧੁਆਏ, ਪਾਣੀ ਖਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਨਾਤ ਪਾੜ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੰਗ ਪਾਏ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰਾ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਚੂਣੀਆਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਘਰੇ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਬਾਂਦਰ ਅੱਖੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਚੂਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਾ। ਆਖੋ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਨਕੀ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਪਈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਖੁਆ, ਤੇ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀਰ ਮੱਖਣ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਭੈਣ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੀ, ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਿਆਰ 'ਚ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਖਿੱਚ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀਰ ਛਕੇ ਲੋਚ ਲਚਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਂਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੀਰ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਪਰਦੇਸ। ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਮੱਖਣ ਤੱਕ ਆਇਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਭੈਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਰਦੀ ਪਾਠ ਤੇ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਾਉਂਦੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰੋ ਕਾਰਜ ਰਸੋਈ ਦੇ, ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਤੇ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਕਿ ਵੀਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਖੁਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੱਖਣ ਅੱਜ ਪਹਿਲੋਂ ਤੂੰ ਚੱਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੂਹੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾਰ ਬੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਮੱਖਣ ਪਹਿਲੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਚੱਕਾਂਗਾ ਪਹਿਲੋਂ। ਆਖੋ ਸੀ
पदार्थां दे नहीं भुखे, रोटियां दे नहीं भुखे, कड़ा प्रसाद दे नहीं भुखे, मेवियां दे नहीं भुखे। वो जेड़ा मेवियां दे नाल पदार्थां दे नाल तेरा प्यार जुड़िया है ना, उस प्यार दे भुखे, उस प्यार दे भुखे आ जिहड़ा पकवान दे नाल तेरा प्यार जुड़ गया है। कि अज शकण आखो श्री वाह गुरु नानक साहब मक्खन चक के ते छकदे ने, हुण लावो भोग गुरु नानक जी पढ़ो। अज प्रसंग ही यह रखिया है कि अज नवे साल की भेट गुरु नानक साहब नूं भोग लवाउणा। आखो श्री लाओ भोग गुरु नानक जी, हुण लाओ भोग गुरु नानक जी, भोग गुरु नानक जी, हुण लाओ 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 भोग गुरु नानक जी, लाओ भोग गुरु नानक जी, हुण लाओ भोग गुरु नानक जी। अनक प्रकार भोजन बहु किए, बहु बिंजन मिष्टाई, करी पाक सर सोच पवित्रता। के भोग लाओ, तीन टाइम प्रशादे का भोग लगता है, दो टाइम दुध लगता गुरु साहब। साढ़े बाबा कुंदन सिंह जी महाराज लाते होंगे, बाबा जगीर सोनी थाल तैयार करते होंगे, बैठे बाबा धन्ना सोनी, गिनती दे महापुरख रंगे, उन्हों का रंग देखिया बाबा जगीर सिंह का, किन्ना रंग सुरूर चढ़िया होया सी उन्हां दी। ते सेवा केड़ी सी, बाबा जी नूं प्रशादा छकाउणा। आखो अपने मुरशद नूं थाल रख के भोग लवाउणा। बाबा जी ने अंदर थाल रख के बाबा कुंदन सिंह जी महाराज ने अंदर प्रशादे का थाल गुरु साहब अगे रख के बाहर पाएदान ते वीर आसन च बैठना, बड़े सोहने लगते। फोन आया बाबा भजन सिंह जी का, अकाल आ रही है सिद्धि हुई हस्पताल तो, अकाल हस्पताल दे विचों बधाइयां दे रहे ने, आ पूरे नवे साल दे चढ़ दे दियां। बोले सोनिहा सारियां संगतां नूं लाए, नवा साल चढ़ गया सी ते आपां भुल्ले होए सी, उन्होंने फोन करके चेता कराता। बोले सोनिया, आखो तन गुरु नानक, 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 सारी संगत कर दे। तन गुरु नानक, तन गुरु नानक, बाबा जी बहुत छेती चढ़ दी कला बख्शन, इन्हों का मन सेवा ची। बाबा जी तो बाद कोई ड्यूटी नहीं छी, भोग लवाउण दी, प्रकाश करन दी, ब्राह्मण करन दी। जिन्ना सेवा नूं असी सेवा नहीं समझते, वो सेवा दरगाह दियां कर करके दरगाह ही महापुरख बन गए।
साध संगत बिन भाव ना उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। गुरु साहब अगे प्रशादे दा थाल बनाएगा, गिद्दड़ दाखना अपने आखे थू कौड़ी, वो कितों थाल तैयार करनी जेड़े मनमुख ने, कितों कौलियां मांजन, कितों थाल मांजन, कितों सब्जियां पाउन, कितों प्रशादे रखन, इन्ना टाइम कितों खराब करन। उन्होंने तो कहना ही ये भोग लवाना मन माते। इंदे ते टाइम लगता है, समा लगता है, गुरबाणी पढ़ी दी सुनी दी रस आउंदा है, गुरु नाल मन जुड़ता है। प्रसाद थाल सजा के गुरु साहब दे अगे रखना, बाबा जी ने बीर आसन च बैठ जाना, कि गेट अगे खड़ जाना, ते सुरत की है, अंदर थाल तैयार करके रख के बाहर आण के खड़े आ, सेवादार बन के खड़े आ, ते सुरते अंदर गुरु नानक साहब जी छक रहे ने आखो से प्रशादा छक दे। सुरत विच ये भावना विच ये आ कि गुरु साहब प्रशादा छक रहे। ये भगती दे मार्ग ने, नौ प्रकार दी भगती है, जिन्हें नहीं करनी ठीक है, पर वेदा शास्त्रा नूं पुछो वो नौ प्रकार की भगती केड़ी है, वह नानक सर विच है। भोग लवाने, प्रकाश करने, परिक्रमा करनिया, विराजमान करने, गुरु साहब नूं कीर्तन सुनाउणा, प्रतख प्रगट रूप समझना, ये सारी नौ प्रकार की भगती। फुल चढ़ाने, हार चढ़ाने, वस्त्र पहनाने, भगत नवे प्रकार शास्त्र वेद प्रकार के भगती नौ प्रकार दी है। प्यार नाल भोग, कहिंदे ने पांडवा ने यज्ञ कीता, भगत बाल्मीक तो बगैर यज्ञ प्रवान ना होया। भगत बाल्मीक जी आए, द्रौपदी ने 36 पकवान तैयार किए, भगत नवे प्रकारा, पंडित वेद प्रकारा। द्रौपदी ने 36 पकवान तैयार किए, बाल्मीक अगे रखे, भगत बाल्मीक जी अगे, उन्होंने सारी मिक्स कर ले थोड़े थोड़े करके। द्रौपदी नूं बड़ी मन विच दुख होया कि मैं तां इन्ना जोर लाया, वक्खरे वक्खरे पकवान तैयार कीते, इन्हें सारे इकट्ठे करते, ते मन विच द्रौपदी दे किरना आ गई कि इहनूं की कदर। सोचिया कि इह जात नीमी दा ए, इहनूं 36 पकवाना दी कदर कित्थों। द्रौपदी दे किरना आई, ते भगवान कृष्ण महाराज ने वेख्या हुण इहनूं फल नहीं मिलना, शंका आ गया। उन्होंने अपना मुख खोल के कहिंदे, द्रौपदी शांत हो जा, भगत बाल्मीक जी ने जेड़े भगवान दी कठिया करके पहली पहली ग्राही भरी है ना, साडे मुंह च देख ला आखो से। ओ ग्राही बाल्मीक, भगत बाल्मीक जी दी भगवान कृष्ण दे मुख विच, ए सानू महापुरश संत भगत जदों साडा नां लैके मुख विच हर हर कह के पाउंदे आ, ते भोग सानू लगदा है आखो श्री। आज करो कृपा जी, बाबा हरभजन सिंह जी ने बोल के बधाई देनी। हाँ जी, बोलो जी, बोलो जी, बोलो बाबा जी। सारी संगत नूं नवे साल दी वधाई होवे। धन गुरु नानक।
बाबा जी चढ़नी करा बख्शन साहब न। धन गुरु नानक वधाइयां जी, सब नूं वधाइयां, महापुरखां नूं भी वधाइयां। प्रोग्राम देख रहे सारा। अच्छा जी, सत वचन जी पढ़ दिओ। गुरसिखां मन वधाइयां। वधाइयां गुरु सिखा मन वधाइयां गुरु सिखा मन वधाइयां गुरु सिखा मन गुरु सिखा मन वधाइयां वधाइयां गुरु सिखा मन वधाइयां गुरु सिखा मन वधाइयां सारे जपो वधाइयां गुरु सिखा मन वधाइयां कोई कर गल सुनावे हर नाम की सोंग गुरु सिखा मन मिठा कोई कर गल सुनावे हर नाम की सोंग गुरु मन मिठा वधाइयां मन वधाइयां वधाइयां गुरु सिखा मन वधाइयां हर दरगे गुरु सिख मैं नाइए जिन्ना मेरा सत गुरु सुखा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा वधाइयां गुरु सिखा मन वधाइयां वधाइयां गुरु सिखा मन वधाइयां जिनी मेरा सतगुर दिखा राम राजे जिनी मेरा सतगुर दिखा राम राजे वधाइयां गुरु सिखा मन वधाइयां वधाइयां गुरु सिखा मन वधाइयां सब संगतां नूं सब गुरसिखां नूं महापुरशां नूं रागियां ढाडी प्रचारकां नूं संतां महापुरशां नूं सब नूं वधाइयां। अज ये उपदेश हिरदे च लैके जाणा बाबा खेम सिंह जी महापुरखां अगे असी थाल रखना प्रशादे दा उन्हां दा नेम सी
उस थाल नू दो चार मिनट अपने मुर्शद दे ध्यान च गुरु दे ध्यान च बैठते सी फिर छकते सी वो एवें भोग लवाउंदे सी। भगत वाल्मीक जी ने मुख च पहली ग्राही पाई, भगवान कृष्ण जी ने द्रोपता नू दिखाई के साडे मुख विच आई, ये सारे कठे करके सानू प्रशाद छकाए। सतगुरां नू प्रशादे दे वधिया वधिया लंगर बना के पकवान बना के गुरसाहब नू भोग लवाओ, फलां दा लवाओ, दुध दा भोग लवाओ, प्रशादे दा लवाओ। उन्नी देर बह के कोल गुरबाणी पढ़ो, पाठ करो, जिनी देर सतगुरु छकदे होण अपनी भावना द्वारा। सतगुरु पदार्थां दे भुखे नहीं, बस भोग ही लाउंदे आ, उसनूं थोड़ा जिहा अपनी रसना नाल ला के पवित्र करदे आ। सतगुरां नूं भोग लवा के अन्न पाणी प्रसाद छकना पवित्र हो जांदा है। मीरा बाई भगवान कृष्ण दा ध्यान धर के जहर दा प्याला पी गई, वह भी अमृत बन गई। भोग भोग लगना बिख भी अमृत बन जाती, वो बिख भी अमृत बन गई। बेबे नानकी गुरु नानक साहब नू किवें दूर दरेडे बैठिया नू प्रसाद भेट कर दी। भावना दे भुखे धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई नंद लाल दी पक्की कच्ची पक्की रोटी भावना वाले लंगर दी लैके खाधी, आखिया सानू बड़ा ही रस आया, बड़ा ही नंद आया। भगवान राम जी ने पीलनी दे बेर छके, कहन ये ता बेर इठे रस भरे हैं मिठे, अगे कदे नहीं डिठे, तन तू है पीलनी। सुरत द्वारा भोग लवा लो, थाल तैयार करके गुरु साहब अगे रख दियो, छका के फिर छको, गुरु साहब का नाम लेके रसना ते रख दियो। गुरु साहब के नाम का पदार्थ कढ दियो, इस तरह गुरु साहब नूं भोग लगदे आ, कृपाण भेट कर दियो। गुरु साहब दा नां लैके तां सतगुरां नूं भोग लगदा है। करी पाक सल सोच पवित्रा हुण लावो भोग हर राई। इत्थे समाप्ति है सेमे नगर, बाबा जी दा जन्म दिहाड़ा मनाउणा है, संगतां उत्थे बैठियां डीक रहियां है। इत्थे अज नवां साल ते महीने का पहला दिन, महीने का पहला दिन है नवा साल है, ते सतगुरां ने संगत दे विच बहुत खुशियां नाल चढ़ाया। ते संत रविंदर सिंह जी जोनी जड़े कथा कीर्तन करदे आ, थां थां दे दवान लाउंदे आ, सब थमां पुरशां कोल हाजरियां भरदे आ। अज इन्हां दे प्यार दा, इन्हों की भावना का मुल पिया है, जिहड़ा संतां ने भी उत्थों बैठिया ने हाजरी भरी है, सारे महापुरश पहुंचे आ, ते टीवी चैनल ते सारी दुनिया जी सारे देख रहे आ, MH1 ते सब पासे चलता है, पुच्चो साहब के चैनल ते संगतां दर्शन कर रही ने, ते अपना नवा साल सफल कर रही ने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल HHC पुच्चो साहिब टू गेट मोर अपडेट्स एंड न्यू वीडियोस ऑफ संत बाबा सुखदेव सिंह जी डेरा रूमी पुच्चो कला।